ऐसी निखित यहाँ की ऐसे मतलब शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता, ठीक है, कि ऐसी सांसद है जो कभी पार्लियामेंट में जाके बैठती नहीं है। क्या ऐसे सांसद के लिए कोई लोग वोट करना चाहेगा कि इनको कॉरपोरेशन द्वारा दे दो, वहाँ भाजपा की सरकार बैठी है। छोड़ी थी तो सरप्लस पैसा था 500 करोड़ की, तो एफडी छोड़ के गए थे हम लोग। हमारे लिए तो स्थानीय मुद्दे ही सबसे बड़े मुद्दे हैं, हाउसिंग बोर्ड का सबसे बड़ा मुद्दा है। इन लोगों ने 2014 में लोगों को बेवकूफ बनाया। कुछ चुनौती है ही नहीं जी दरअसल, क्योंकि जो लोग खुद अपने घर से भाग के यहाँ आए हुए हैं वो किसके लिए क्या चुनौती होगी। भाजपा का जो चरित्र है, जो चाल है, जो ढाल है, वो लोगों को अच्छी तरह पता लग चुकी है कि इनके कहने और कथनी में बहुत फर्क है। मुंह में राम बगल में छुरी। नमस्कार, अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है। मैं साजन शर्मा आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 34 में, जानिए अपना उम्मीदवार प्रोग्राम के तहत। यहाँ हम कांग्रेस के दफ्तर पे बैठे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार जो प्रत्याशी यहाँ से हैं वो है गुरप्रीत सिंह गाबी, जो कि एक काफी वक्त से जो है पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से उनका जो है प्रचार फिलहाल चल रहा है। नमस्कार, आप जैसा जानते हैं कि ये नई वार्ड बनी है सेक्टर 45 और 40, पहले 45 बुढ़ैल के साथ था और 40 जो है वो बत्ती सेक्टर के साथ था। तो नई वार्ड बनने के कारण जो पहले यहाँ दोनों प्रत्याशी थे, दोनों भाजपा से प्रत्याशी थे, और दोनों के निकम्मेपन की जो सजा है उस दोनों सेक्टरों के निवासियों ने भुगती है। आप 45 सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, और यही सेक्टर 40 का भी यही हाल। आप ग्रीन बेल्टों में जाएं, पार्कों में जाएं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, टूटी सड़कें हैं। तो हमारी जो सबसे मुहिम जो हमारी सिस्टम कंपेन की चल रही है वो सबसे ज़्यादा स्वच्छता के ऊपर ही हम लोग चला रहे हैं। अभी तक आपने जो प्रचार का तरीका अपनाया, किस तरीके से डोर टू डोर आप जा रहे होंगे और किस सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर और कौन से तरीके हैं, साफ प्रचारक को भी शायद बुलाने का प्लान होगा, क्या क्या प्लान रहेगा? देखिए, मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, धरातल पर आके काम करता हूँ। मैं ना तो किसी स्टार प्रचारक को यहाँ बुलाऊंगा, पार्टी खुद किसी को जहाँ भेजेगी तो हम जी आया करेंगे। हमारी जो डोर है वो जो कंपेन है वो डोर टू डोर चलती है, हम कोई उसे लगा के प्रचार नहीं करते। हम लोगों के पास जाके उनके दुख की बात सुनते हैं और अपनी बात जो हमारे काम की बात है, जो उनके काम की बात है, वो वहाँ जा करके हम करते हैं, ताकि लोगों के साथ हमारे एक सीधा संवाद हो सके। जब हम रैलियां करते हैं, स्टार प्रचारक आकर के बात कर जाते हैं तो मजा नहीं आता, हम लोगों की बात नहीं जान पाते, हम अपनी बात कह के निकल जाते हैं। हमारी कंपेन का मुद्दा होता है हम एक एक घर में जाते हैं, उनके व्यूज लेते हैं, अपने व्यूज बताते हैं, और उनके संतुष्टि होने तक हम वहाँ टाइम लगाते हैं। हम हाथ जोड़ के ही आगे निकलते हैं बाकी नेताओं की तरह कि बस एरिया कवर कर दो जी, शक्ल दिखा दो। अगर हम कम भी जा पाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक एक इंसान तक पहुंचेंगे, एक एक मतदाता तक पहुंचेंगे, युवाओं से उनके हक की बात करेंगे, फर्स्ट टाइम वोटर से उसके हक की बात करेंगे, गृहिणी से उसके घर की बात करेंगे, उसको क्या दिक्कत आ रही है, और जो हमारा भाई सुबह से शाम तक पैसे कमा करके घर लेके आता है और वो आके देखता है कि उसकी पार्कें गंदी पड़ी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, महंगाई की एक नई मार झेल रहा होता है जब वो टीवी देखता है, उससे हम उसकी बात जाके करते हैं। वो समझता है कि हाँ, हमारे साथ हमारा बेटा आया, हमारा दोस्त आया जो हमारी बात सुनने आया है, ना कि सिर्फ अपनी बात कहने के लिए यहाँ पे है। आप जो एक आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के जो पूर्व पार्षद यहाँ से रहे हैं उन्होंने कोई काम यहाँ पे लोकल लेवल पे नहीं किया, तो हम ये कैसे जाने, आप अपने वोटर को ये कैसे बताएंगे कि आप उनसे अलग कैसे हैं और कैसे जो है उनके बीच में पैठ बनाएंगे अपने? देखिए, कांग्रेस की कार्यशैली सबसे अलग है। लोगों ने देखा, जब तक पवन कुमार बंसल जी यहाँ से सांसद थे तो शहर की डेवलपमेंट कैसे हो रही थी, लोगों के बीच रह के लोगों की बात करते थे। हमारे चावला जी मेयर रहे शहर के, ठीक है, लोगों के बीच रह के उनके लिए काम किया, चावला जी के किए हुए काम आज भी लोग याद करते हैं। हमारे जो इस टाइम मौजूदा पार्षद हैं, जितने भी हैं, 5 हैं, ठीक है, उनकी बात जब उनसे जाके उनकी वार्डें देखे, उनके बबला जी के पास जाए, उनकी वार्ड देखे, गुरबख चौराव जी की वार्ड देखे जाए, रविंद्र गुजराल जी की वार्ड देखे जाके, धरातल पर रह के लोगों के बीच रह के काम करते हैं। वार्डें चमकी हुई हैं, ना कि यहाँ की तरह, वहाँ आप किसी भी पार्क को उठाओ चमकी होगी, किसी मार्केट में जाओ, किसी भी सड़क को जाके देखो, किसी भी कोने पर जाके देखो, कूड़ा वगैरह नहीं मिलेगा, यहाँ तो कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं। तो इसलिए कांग्रेस की जो कार्यशैली है वो धरातल पर काम करने की, उनको पता करिए हमें बोल के जा रहे हैं तो ये काम करेंगे। एक जनरली चीज देखने में आती है कि जो पार्टी सत्ता में है, चाहे सेंटर में या स्टेट में जो भी होता है, और नगर निगम के चुनाव, तो एक फाइनेंशियल जो एक देनदारी होती है वो केंद्र की तरफ से या सरकारों की तरफ से आती है,
तो आपको नहीं लगता अगर मान लो कांग्रेस की सरकार यहाँ कांग्रेस सत्ता में आ भी जाती है नगर निगम में, तो एक हिंड्रेंस ये रहेगी कि एक तालमेल जो है वो ना बन पाए? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ सेंटर में भी जब भाजपा थी, यहाँ सांसद किरण खेर थी और 5 वर्ष से इनकी यहाँ कॉरपोरेशन थी, तो इन्होंने क्या कर लिया, लगातार बजट गिरता गया। क्या आपने कभी पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखा है कि हमें बजट में कितने पैसे एलोकेट होके आ रहे हैं? जो पहले आते थे उससे कम होते जा रहे हैं लगातार। ऐसी निखित यहाँ की, ऐसे मतलब शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता, ठीक है, कि ऐसी सांसद हैं जो कभी पार्लियामेंट में जाके बैठती नहीं है। क्या ऐसे सांसद के लिए कोई लोग वोट करना चाहेगा कि इनको कॉरपोरेशन द्वारा दे दो, ये वहाँ भाजपा की सरकार बैठी है? जब सांसद वहाँ जाके बैठती नहीं है, बात ही नहीं करती, तो क्या फायदा इसका, सरकार हो या ना हो। रहेगी कांग्रेस की बात, हमारी कॉरपोरेशन बनेगी, जी जान से काम करेंगे, फंड भी पूरे लेके आएंगे। हमारे नेताओं को काम करना आता है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड कैसे लेके आने वो काम करना आता है। इनकी तरह नहीं है कि जो मैडम किरण खेर ने कह दिया, जो वहाँ बड़े बाबू ने कह दिया, वो बस उनके बस घर चल के आगे। लड़ाई लड़नी आती है, देश को आजाद कराया था, शहर को भी इनकी कुरूतियों से आजाद करवाएंगे। नगर निगम का जो इस वक्त आर्थिक हालात है, वहाँ के फाइनेंशियल क्रंच जो उसके सामने खड़ा है, तो आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कें और भी कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो विकास के काम है वो ठप हुए पड़े हैं इस पैसा ना होने की वजह से। नगर निगम को प्रशासन से पैसे मांगने पड़ रहे हैं अलग से, जो उनका बजट एलोकेट होता है कोई ना कोई सोर्सेज ढूंढने पड़ रहे हैं प्रशासन को भी कि ये सोर्सेज जुटा के जी आप इसको काम को आगे बढ़ाओ। इसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या इसके लिए नीति रहेगी आपकी? हमने आपको अभी तो कहा ना, इनकी कार्यशैली देख लो आप। सेंटर में गवर्नमेंट होने के बाद, सांसद होने के बाद इनसे पैसा नहीं इकट्ठा हो पाता, और हम लोगों ने जब कॉरपोरेशन छोड़ी थी तो सरप्लस पैसा था, 500 करोड़ की तो एफडी छोड़ के गए थे हम लोग। जो ये 5-5, 20-20 करोड़ मांगते हैं, हम लोग 500 करोड़ की एफडी छोड़ के गए थे इनके लिए। तो एक कार्यशैली कांग्रेस की है काम करने की, इनकी नहीं है। अखबार के माध्यम से जो पढ़ा लोगों ने कि भी चंडीगढ़ 66वें नंबर पर आ गया सफाई के मामले में, वो अपने आप में एक बहुत शर्म की बात थी। वो भाजपा की कार्य क्षमता को दिखाता था कि कितने विफल रही है पूरी भाजपा पिछले 5 वर्षों में कार्य करने में, खास करके 7 साल जो मैडम किरण खेर का काम है। हम लोगों ने नेशनल लेवल पर तो मार खाई ही खाई है, महंगाई ने हमें चारों तरफा मार की है। वो महंगाई की मार के साथ साथ कॉरपोरेशन ने टैक्स लगाते लगाते यहाँ भी लोगों के ऊपर महंगाई की दुगनी मार मारी है। आप पार्किंगों में चले जाएं, चाहे सफाई व्यवस्था देखें, हर जगह लोगों के ऊपर एक बोझ पड़ रहा है महंगाई का, पैसे का। आज मैं लेटेस्ट पढ़ रहा था कि इस साल हमारी जो लोगों की इनकम है, जो उसका अभी रेट डाटा आया सामने, 13% कम हो गई, लेकिन टैक्स जो है वो लगातार बढ़ते गए, तेल के रेट हैं जो लगातार बढ़ते गए, सब्जियों के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ते गए। तो ये कंपेन के मुद्दे स्थानीय भी हैं, कुछ नेशनल लेवल के भी हैं। लोगों के पास जब हम जाते हैं, लोग खुद ये बात करते हैं कि हम महंगाई से त्रस्त हैं, दुखी हो रखे हैं, जेब में पैसा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है रोज एक नया टैक्स और एक नई जो मार है महंगाई की वो उनके ऊपर डाल देती है, चाहे वो टमाटर के रूप में हो, चाहे वो तेल के रूप में हो, चाहे वो दालों के रूप में हो, चाहे वो अनाज के रूप में हो। रोज लगातार महंगाई की दर बढ़ती जा रही है। तो लोग खुद ही इतने दुखी हो, जहाँ तक यहाँ के लोकल जो पुराने कौंसलर उनकी बात है, अगर आप यहाँ भी जाके अगर कहीं 5 लोगों से भी पूछेंगे तो 5 के 5 आपको ऐसी भाषा में जवाब देंगे कि आपके भी कानों की तृप्ति हो जाएगी। तो हम लोगों से यही वादा कर रहे हैं कि आपके साथ रहकर, आपके पास रहकर काम करेंगे, धरातल पर रहकर काम करेंगे, ना कि लोगों की तरह हवाबाजी में घूमेंगे, ना इनके नेशनल लीडर की तरह ये बात करेंगे कि वो तो जुमला था क्या हो गया। हमने जो वादे किए लोगों से, हमारे मुख्य वादे हैं स्वच्छता, यहाँ संपर्क सेंटर की बात चल रही है, हमारी 46 सेक्टर में यहाँ कोई संपर्क सेंटर नहीं है, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं है, उसकी बात हमने लोगों से की है। और लोगों को खुशी है कि किसी ने आके यहाँ पर संपर्क सेंटर और डिस्पेंसरी के बारे में सोचा तो सही, बोला तो सही, नहीं तो पहले जो यहाँ के पार्षद थे वो, उससे पहले जो नेगी जी थी यहाँ पे महिला, जब ये वार्ड थी तो जो संपर्क सेंटर यहाँ के लिए पास हुआ था 46 के लिए, उसको 32 सेक्टर ले गई थी। तो हमेशा सौतेला व्यवहार 46 के साथ और 45 के साथ दोनों पार्षदों ने किया है, लेकिन इस चीज़ को हम दूर करेंगे, जी जान लगा करके काम करेंगे। 45 सेक्टर में तो कूड़े की समस्या बहुत बड़ी है, सीवरेज की समस्या बहुत बड़ी है, तारे सबके घरों के आगे जा रही हैं, ऐसे लगता है जैसे कुंडी कनेक्शन डले हुए हैं, ऐसा लगता नहीं है कि लोग मीटर रेंट दे रहे हैं, लोग बिजली के पैसे दे रहे हैं, और उसके बाद भी इतनी नीचे स्तर की जो दर्जे की व्यवस्था है वो 45 सेक्टर के लोगों को मिल रही है। तो क्या लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, महंगाई या पेट्रोल के रेट, सब्जियों के दाम,
और भी कई मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, क्या ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे नगर निगम के चुनाव में यहाँ पे लोकल स्तर पे काम करेंगे? मैंने आपसे यही कहा ना समझिए कि हम तो बात उठा ही नहीं रहे, हम तो लोकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोकल मुद्दों की बात करते हैं। लोग खुद आगे से बोलते हैं कि हम इतने दुखी हो रखे हैं इस महंगाई की मार से कि पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दुखी कर रखा है महंगाई की मार से, अब तेल के रेट तो उनकी वजह से बढ़ते हैं, अब तेल के रेट बढ़ते हैं तो सब्जियों के रेट बढ़ते हैं, दालों के रेट बढ़ते हैं, अनाज के रेट बढ़ते हैं, हर चीज आवाजाही के रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एक तो वो मार पड़ती है, ऊपर से लोगों ने टैक्सों की मार मार के हमें मार दिया। आप देखोगे सीवरेज सेस 20% कर दिया, पानी के रेट 3 गुना कर दिए थे, तो हमने लड़ाई झगड़ा करके प्रोटेस्ट करके पानी के बुछारे सहसा के लोग पुलिस की लाठियां खा करके यहाँ तक इनको पीछे लेके आए कि इनको बंद इन्होंने स्टे किया है। अगर बाई चांस भगवान ना करें दोबारा कॉर्पोरेशन आ जाए तो फिर वही काम करेंगे। तो लोग इस बात से अवेयर हैं, लोग खुद महंगाई की बात करते हैं, हमें करनी नहीं पड़ती। तो हम मान के चले कि इस इलेक्शन में जो है आप महंगाई का मुद्दा जो है या सेंट्रल स्तर के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ साथ स्थानीय स्तर के मुद्दे जो हैं या जो काम नहीं हुए उसको जो है मेन बना के चलेंगे, मुद्दा बना के चलेंगे। हमारे लिए तो स्थानीय मुद्दे ही सबसे बड़े मुद्दे हैं, हाउसिंग बोर्ड का सबसे बड़ा मुद्दा है। इन लोगों ने 2014 में लोगों को बेवकूफ बनाया, हम आपके जो मकान हैं जो आपके नीड बेस चेंजेस हैं इनको पक्का करवाएंगे। यही बात 2016 में दोहराई, दोबारा एक बार चांस दो, निगम में हमारा ही पार्षद नहीं है, हमारा मेयर नहीं है, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है। लोगों ने फिर 2016 में इन्हें वोट दिए, निगम में भेजा, फिर इन्होंने कोई काम नहीं किया। 2019 के इलेक्शन आए, कहते एक मौका और दे दो, फिर हमें चांस दो, हम फिर निगम में आएंगे, हम फिर संसद में होंगे, हम आपका हाउसिंग बोर्ड का नीड बेस का मुद्दा जो है इसको हल करवाएंगे, लेकिन फिर कुछ नहीं किया। इसलिए मुद्दे जो है हम तो लोकल मुद्दों के ऊपर ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर आपके विपक्ष पार्टी में खड़े हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी, उनको कैसे चुनौती देते हैं आप? कोई चुनौती है ही नहीं जी दरअसल, क्योंकि जो लोग खुद अपने घर से भाग के यहाँ आए हुए हैं वो किसके लिए क्या चुनौती होंगे? अगर काम करने की क्षमता होती, कार्य करना आता होता तो 44 सेक्टर छोड़ के भूपिंदर जी यहाँ ना आते, ठीक है ना, और बाबा जी हरजिंदर जी रामदरबार छोड़ के यहाँ ना आते। तो ये तो सबको पता है, सच्चाई सबको है, हाथ संघर्ष फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि भाजपा के पास लोकल उम्मीदवार नहीं थे, उन्होंने बाहर से प्रत्याशी उतार दिए, ठीक है, उनको पता पुराने चेहरे हारेंगे, काम नहीं किया हुआ। तो इसीलिए लोग सब समझते हैं, सियाने हैं, आप चेहरा बदल के अपना चरित्र नहीं बचा सकते, अपना चरित्र नहीं छुपा सकते। भाजपा का जो चरित्र है, जो चाल है, जो ढाल है, वो लोगों को अच्छी तरह पता लग चुकी है कि इनके कहने और कथनी में बहुत फर्क है, मुंह में राम बगल में छुरी। आज आपसे फिर वोट मांगने आएंगे हाथ जोड़ के, और वोट मांगने के बाद फिर आपको छुरी ही दिखाएंगे, इनका ये काम। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 34 से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह गाबी। इनका कहना है कि हम जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उसके साथ साथ लोकल स्तर के मुद्दों को साथ लेकर चलेंगे, और विकास के जो काम यहाँ पे पूर्व भाजपा पार्षद ने नहीं करवाए उनको मुद्दा बनाएंगे। और दूसरा इनका कहना है कि भाजपा और आप पार्टी दोनों के जो प्रत्याशी हैं वो बाहर से उतारे गए उम्मीदवार हैं, दूसरे सेक्टरों में रहते हैं और इस वार्ड से उतारे गए हैं। तो गुरप्रीत सिंह गाबी जी का कहना है कि उनकी स्थिति दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत है। धन्यवाद, मैं साजन शर्मा अर्थ प्रकाश के लिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।